ज़ाहरा जिनकी रगों में उस ज़ात का खून हो जो अल्लाह के सबसे बड़े आशिक हों और जिनसे अल्लाह सबसे बढ़कर मोहब्बत करता हो, रसूल खुदा की ज़ात, तो जो आपकी हाल है उनका कौन सा नहीं हो सकता है। तो जो आप से जिनको सीना बसीना फैज़ो करम मिला, तो बस इन अजीम हस्तियों से मोहब्बत ही करनी चाहिए, इनका अदब ही करना चाहिए, तो यही इंसान की बख्शिश का वसीला बन जाएगा। जो इनका अदब करता रहेगा, मोहब्बत करता रहेगा, तो हज़रत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की खादमा वो फरमाती हैं कि मैंने जब भी आप सरकार को दिन के टाइम खाना पेश किया तो आप यही इरशाद फरमाते थे कि मैं रोज़े से हूँ, और जब रात को वो बताती हैं कि मैंने बिस्तर करना सरकार के आराम के लिए, तो जब सुबह उठ के देखना तो आप मसल्ले पे नज़र आते थे और बिस्तर वैसे का वैसा महसूस हो जाता था कि जैसे ऊपर बैठे भी नहीं और मसल्ले पर हैं। तो जिनकी इबादत, और वो फरमाती हैं कि मैंने सारी ज़िंदगी, उनकी जितनी ज़िंदगी होगी, वो फरमाती हैं मैंने सारी ज़िंदगी आपको दिन के टाइम खाना जब भी पेश किया, जब भी पेश किया तो आप रोज़े से होते थे, और जब रात को इबादत बिस्तर उठाना तो कभी ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि बिस्तर पर आप चंद मिनट भी तशरीफ़ फरमा हुए हों। और फरमाया कि आप हर वक्त दिन को रोज़े में और रात को अल्लाह की इबादत में रहते थे, और इस कदर इबादत करते थे कि रात और दिन में जो भी फराइज़ हैं उसके अलावा अल्लाह की मोहब्बत में, खालिस अल्लाह की मोहब्बत में, उनका अमल ही हर अल्लाह की मोहब्बत में है। अल्लाह उनके नक्शे कदम पर हमको भी इखलास अता फरमाए कि हमारे हर अमल में अल्लाह की मोहब्बत हो, नबी पाक का इश्क हो। तो वो हर दिन और रात में अल्लाह की बारगाह में सजदों में ऐसे पेश होते थे कि 1000 नवाफल रोज़ अदा फरमाते थे। अब 1000 नवाफल रोज़ाना पढ़ना, फिर इसके अलावा इबादत, जिक्र और मखलूक जो आपके पास हाजिर होती थी, जो ज़ाहरी और बातनी फैज़ो करम लेने वाले आते थे, तो आप क्योंकि हर चीज़ के कुंजियाँ आपको अता हुई, सरदार थे आप, हमें सरदार हैं हमेशा के लिए, ज़ाहर और बातन का फैज़ो करम का आपको मुकम्मल इख्तियार आता। और मैं मखलूक से भी वासल, मखलूक की भी सुनते, जो भी सवाली आता उनको भी नजर नायत फरमाते, और जो भी आता यानी कि आपके दर से कोई खाली नहीं जाता था। अब इबादत देख लें, इबादत इस कदर, और अल्लाह की बारगाह में फिर अपने आप को कैसे पेश करते हैं कि काबा शरीफ में रात का वक़्त था, रात का वक़्त था, तो आप रो रो के काबा शरीफ के गलाफ मुबारक को पकड़ा हुआ है और रो रहे हैं, रो रो कर अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर ले गए, या अल्लाह मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, जितनी तेरी मखलूक है मेरे पता नहीं कितना, उससे भी ज़्यादा गुनाह है, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ फरमा दे। अब इस कदर आप ज़ारो कतार रो रहे हैं और अल्लाह की बारगाह में अपने आप को ऐसे पेश कर रहे हैं, जिंदगी देख रहे हैं इबादत में क्या शान है। और सैयदुस्साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन का लकब है और आका की आल में से हैं, लेकिन आज ही देख लें फिर भी अल्लाह की बारगाह में अपने आप को क्या समझते हैं, हालांकि अल्लाह रसूल ने तो शान अता फरमा दी है, लेकिन फिर अपने खाले की बारगाह में कैसे पेश हो रहे हैं कि ज़ारो कतार रो ही जा रहे हैं। तो एक बुजुर्ग थे, वो कहते बेटा हमें बताओ तुमसे कौन सा गुनाह हो गया है। वो आवाज़ सुन के आगे कि मैं दुआ कर देता हूँ कि तुम्हारी इस कदर गुनाह है, इतनी को गलतियाँ हो गई हैं। तो जब उन्होंने देखा, तो जब आपका चेहरा मुबारक देखा तो आपके कदमों में गिर गए कि हुजूर आप तो उस आल में से हैं जिनके वालद सैयद सरदार आले जन्नत हैं, जो हर चीज के मालिक हैं, तो आपसे कौन से गुनाह हुए होंगे। तो आप को वो देखकर वो बुजुर्ग गशी खा के गिर पड़े कि इनकी ऐसी अल्लाह की बारगाह में इन इस कदर पेश होते हैं। तो देख लें, ये भी आपकी ज़िंदगी से हमें सबक मिलता है कि जब इबादत गुजार बंदा बन जाए, अल्लाह का करम हो जाए, नमाजी बन जाए, जिक्र अज़कार करने वाला बन जाए,
इबादत करने वाला बन जाए तो ये ना समझे कि मैं अब पता नहीं क्या बन गया हूं। भाई इन हस्तियों से देख लें कि जो हर चीज के इख्तियार भी रखते हैं लेकिन अपने खालिक को फिर भी रो रो के अर्जे करते हैं और दुनिया को ये बताते हैं कि खुदा के सामने जैसे भी हो, अगर जितने भी नेक हो, लेकिन जब मालिक की बारगाह में पेश हो जाओ तो अपने आप को नेक ना समझो, यही कहो कि मौला मुझे माफ कर दे, मैं गुनाहगार हूँ, स्याहकार हूँ। तो ये तालीम मिलती है इन अजीम हस्तियों की जात को पढ़ने से कि हम भी अपने आप को, अपनी जिंदगी को, अपने अंदर से तकब्बर, अना और गुरूर, जैसा कि हमारे पीरो मुर्शद हजरत सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी फारूकी आल मरूफ लासानी सरकार रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उन पे करोड़ों करोड़ों रहमतें फरमाए कि जिन्होंने करोड़ों लोगों को, अब लाखों की तादाद तो नहीं, सरकार की 63 साल जिंदगी मुबारक में सारी जिंदगी आप मखलूक खुदा को, अल्लाह रसूल, इन अजीम हस्तियों की मोहब्बत, नमाज पे, जिक्र पे, इबादात पे और सलातो सलाम पे, हर मखलूक के जो वो काम जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है, आपने लाखों करोड़ों को उस रस्ते पर लगा दिया कि नमाजी बना दिया, जिक्र करने वाला बना दिया, और लोग अल्लाह की मोहब्बत में, नबी पाक की मोहब्बत में जिक्र करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, महफिलें सजाते हैं, मखलूक खुदा के काम आ रहे हैं। तो देख लें कि ये वो हस्तियां हैं, आम बंदा जितनी मर्जी कोशिश कर ले, आप किसी को ठीक है बंदा नमाज पे लगा देगा, नमाज पे लगा दिया ये भी बहुत बड़ी नेकी है। कुंतुम खैरा उम्मत उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर, के कुरान फरमा रहा है कि तुम में से बेहतरीन, बेहतर से भी बेहतरीन वो लोग हैं जो खुद नेक हो जाएं और लोगों को भी नेकी के रास्ते पर लगाएं। इसमें सब कुछ आता है। तो इस अजीम हस्ती का, हमारे पीरो मुर्शद की शान को देखे, उनको हमारे सलाम है, सलूट हम पेश करते हैं कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में, आप तो अल्लाह के महबूब, आप तो अल्लाह के वली, नबी पाक के महबूब, पैगंबर पाक ने जिनको नवाजा हो, बड़ी बड़ी हस्तियों ने, गौसुल आजम ने अपने नाइब से नवाज कर फैजो करम से नवाजा हो, दाता साहब ने, बाबा फरीद ने, चादर वाली सरकार ने, ऐसी अजीम हस्ती को नवाजा और फैजो करम अता फरमाया, तो देख लें फिर इनकी जिंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि सच्चा इश्क मुस्तफ़ा और इन अजीम हस्तियों का इश्क पैदा कर लो, फिर जबान में भी तासीर पैदा हो जाती है, फिर नजर में भी तासीर पैदा हो जाती है। जैसे हम अर्ज करते रहते हैं कि जब बंदा सच्चा हो जाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनू मा अस्सादिकीन, अल्लाह अपना जो सच्चे हैं अल्लाह उनका तारुफ फरमा रहा है, करम फरमा रहा है, क्या ईमान वालो मुझसे डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, और सच्चों के साथ सच्चे होकर जो जुड़ेगा उसको सच्चों का फैज मिलता है। अब सच्चों के साथ जो इखलास के साथ जुड़ गया, जो सच्चों ने क्या बताना है, ये भी अल्लाह के सच्चे बंदे हैं। हजरत लासानी सरकार हमारे पीरो मुर्शद, जिन्होंने जब हमें मुरीद किया, हमें बैत किया, हम बचपन में मुरीद हुए, माशाल्लाह इस हम तो आज खुश नसीब हैं कि पीर तरीकत पीर फाकत अली नक्शबंदी साहब भी, जो सरकार का जिन्होंने खास जलवे देखे हैं, वो भी हाजिर हुए, मरकजी रुकन और मोहम्मद फरूक साहब भी आसाना शरीफ से हाजिर हुए, जो भी पीर भाई जिन जिन्होंने हमारे पीरो मुर्शद का दौर देखा है, तो आप इनसे पूछ के देख लें और लाखों करोड़ों से पूछ कर देख लें कि हमारे मुर्शद का हुस्न अखलाक, मोहब्बत, इश्क अल्लाह और उसके रसूल, उनके महबूबों के साथ और मखलूक के साथ आपका रहन सहन ऐसे होता था कि कोई पहचान ही नहीं सकता था कि ये करोड़ लाखों का पेशवा है, कि जिनके लाखों मुरीद हैं लेकिन उनकी आजजी इनकसारी का ये आलम है कि कोई पहचानता ही नहीं था, पहचानता नहीं होता था। पीर फाकत साहब अक्सर वाकया सरकार के बयान फरमाते होते हैं, वे एक दिन ये फरमा रहे थे कि जब कोई मेहमान आता था ना, मेहमान आता था, अब सरकार जब खुद अपने दस्ते मुबारक से उनको खाना पेश फरमा दें, खाना ता फरमा दें या पानी उठा के दे दें, तो मेहमान पहचानता ही नहीं था कि ये खुद लासानी सरकार है। तो वो हमें ये बता रहे हैं, उनकी जिंदगी हमें ये बता रही है कि अल्लाह की मोहब्बत में बस रहो, जो कुछ भी मकाम मिल जाए लेकिन जो नेकी के काम है उनको जारी रखो। ये तो नहीं बंदे का मकसद कि भाई अब बंदे को, बंदा नेक हो गया तो नेकी के काम छोड़ दे,
وہ تو بندہ زیادہ بڑھائے کہ اب مزید اللہ کی نظر رحمت ہم پر ہو. تو یہ ہمارے پیر و مرشد کی شان و عظمت جو ہم نے اتنی زندگی جس نے بھی آپ کی بارگاہ میں گزاری, تو آپ نے ہر وقت اللہ کا ذکر, اور یہی آپ ارشاد فرماتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہوئے نبی پاک سے سب سے زیادہ عشق اور محبت کرو, اور ہر نبی سے محبت کرو, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ادب کرو, سب کا ادب کرو, آپ کے صحابہ میں چاروں خلفاء کا سب سے زیادہ ادب کرو, اور آپ کے صحابہ کا بھی ادب کرو, آپ کی اہل بیت اور ہر اس اللہ کے بندے کا ادب کرو, محبت کرو جس کو اللہ اور اس کے رسول نے اور ان محبوب ہستیوں نے منظور کر لیا ہے. تو یہی بندے کی کامیابی ہے اسی میں. تو جو جس قدر اللہ کی رضا حاصل کرنے والا بندہ اس لائن پہ چل